नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पर फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो एक अच्छे एनालिटिकल पर्सनैलिटी को हर काम को सोच विचार के करना इस प्रकार की नियति को व्यक्त करता है। साथ ही साथ जैसे फिंगर के बीच में यहाँ पर गैप मेंटेन हो रहा है, तो ये एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर को भी बताता है, साथ ही साथ खर्चीलेपन को भी आपके व्यक्त कर रहा है। लिटिल फिंगर के लेंथ के विषय में आया तो ये थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से शॉर्ट देखने को मिल रही है, तो इस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अफेक्टेड हो सकता है। जैसे स्ट्रेंजर के सामने अपनी बात को नहीं रख पाना, बहुत सारी बातों को मन में ही दबाए रखना, रिप्रेजेंटेशन किसी वर्क का प्रॉपरली नहीं हो पाना या फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाना, ये भी जो है थोड़े से अवरोधक देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तो इस कारण से आपका हिम्मती स्वभाव ज़्यादा रहेगा, लाइफ में हमेशा नई नई चीज़ों का ट्राई करते रहेंगे, नई नई चीज़ों के प्रति आपका रुझान ज़्यादा रहने वाला है, किसी भी प्रकार के रिस्क लेने की बारी आई तो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन होता है। तो उस कारण से सूर्य की ये उंगली है, तो इस कारण से नेम फेम पॉपुलैरिटी मिलने के चांसेस भी अच्छे होते हैं और आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा है, जो अच्छे फ्रेंडली नेचर को व्यक्त करता है, तो अपनी जो आपका व्यक्तित्व रहेगा बहुत यहाँ पर मिलनसार देखने को मिल रहा है। और पहले फिंगर की लेंथ जो है इसका पोर सैटर्न की तरफ झुका हुआ है, तो इस कारण से आप धार्मिक भी रहेंगे, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि भी अच्छी रहेगी, और जैसे ऑकल्ट साइंस होता है, पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष, इन सब के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा। थंब के साइज़ के विषय में चर्चा करें तो थंब यहाँ पर वीक है और इस प्रकार से दबा हुआ भी है, तो एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर यहाँ पर आपका दिख रहा है। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और यव का साइन भी यहाँ पर प्रॉपरली डेवलप है, तो इस कारण से आप धार्मिक रहने के साथ साथ आपका सिक्स्थ सेंस भी अच्छा रहेगा। इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर आप मेडिटेशन करें, और धन जीवन में अच्छा रहेगा। पहले पावर की लेंथ अच्छी है तो इस कारण से विल पावर आपकी अच्छी देखने को मिल रही है। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ पर चर्चा किया जाए तो ये रेक्टेंगुलर जो है पाम है, तो इस कारण से बोलचाल की कला ज़्यादा देखने को मिलती है, कार्य थोड़ा सा कम होता है लेकिन प्लानिंग्स थोड़ी सी जो है अकॉर्डिंगली ज़्यादा देखने को मिलती है, सोचते ज़्यादा हैं करते कम, इस प्रकार का नियति ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई काम के लिए प्रेरणा बहुत अच्छी रहेगी, एक्शन ले लेंगे, लेकिन प्रॉपरली प्लानिंग नहीं होती है, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो गुरु पर्वत आपका वीक है, तो इस कारण से फैमिली से थोड़े दूर रहने का योग या फिर एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी फैमिली लाइफ को लेकर के रहती है। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर का साइन है ये बहुत ही शुभ है, ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, इसके बाद आपके खुद के प्रॉपर्टी बनने के योगों को भी बताता है, समाज में अच्छा नेम फेम होने के साथ साथ इज्जत प्रतिष्ठा आपका रहेगा और नॉलेज अच्छा आप गेन कर पाएंगे। जब इस प्रकार की युति बनती है तो धन भी जीवन में अच्छा होता है, कोई कमी नहीं होती, और प्रोग्रेस लाइन भी है तो जुनून भी अच्छा रहेगा, और जैसे आड़ी रेखा है तो ये दयालुपन और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर अब आते हैं आपके सैटर्न यानी शनि के पर्वत पर, तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो कामों में इस कारण से देरी होती है और थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव भी देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए भाग्य रेखा के विषय में, तो भाग्य रेखा यहाँ पर आपकी राहु के क्षेत्र से मेनली स्टार्ट हो रही है, तो लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 33-34 एज के बाद से लाइफ में सडनली गेन वेल्थ प्रोग्रेस आपको होगा, और 34 के बाद ही डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन सैटर्न लाइन जैसे बार बार यहाँ पर टूट रही है, तो ये बार बार अर्निंग के माध्यम जो चेंजेस होते हैं उसको ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएँ तो थोड़ी आड़ी रेखा भी है जो थोड़ा बाधा लाती है भाग्य में, काम बनते बनते रह जाना या फिर डीले से होना, इस प्रकार के योग बनते हैं। सूर्य पर्वत पर आएँ तो सूर्य माउंट आपका कंपेरेटिवली ठीक है, तो इस कारण से आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, और यहाँ पर सूर्य रेखा एक से अत्यधिक है, तो कहीं ना कहीं आप एक ही समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदि भी देखने को मिल रहे हैं। आपका ध्यान बहुत जगह भटका हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ही कलाओं में आप निपुण रहने वाले हैं। इसी के माध्यम से एक स्क्वायर का साइन भी है यहाँ पे, जो अच्छे नेम फेम को और सक्सेस के अच्छे योगों को बताता है, लेकिन उस पर भी एक आड़ी रेखा आकर के हल्की हल्की सी काट गई है, तो इस कारण से कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे। पिता से रिलेशन में थोड़ा सा अनबन रह सकती है, अदरवाइज कोई ऐसा बिग इशू ट्रबल नहीं है।
मरकरी माउंट यहाँ से बीच से दबा हुआ है, तो बहुत सारी बातों को आप कहीं ना कहीं मन में ही दबाते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ जो एक से अत्यधिक रेखा है, ये आकर्षित व्यक्तित्व देती है, बोलचाल की कला आपकी अच्छी रहेगी। बिजनेस में सक्सेस आपको अच्छा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके स्क्वायर का साइन बन रहा है, जो कहीं ना कहीं व्यापार में प्रोग्रेस दिलवाने के साथ व्यापार को बचा देता है लॉसेस से। तो ये एक प्रकार से शुभ योग है, होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन का फ्लो इस प्रकार से आपका निकलते हुए डबल हार्ट लाइन यहाँ पर आपकी चल रही है। तो ये एक प्रकार से बार बार इमोशंस और फीलिंग्स में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपका मूड स्विंग का जो है इशू ज़्यादा शो हो रहा है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशंस जो है आपके बार बार फेर बदलते रहते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, तो कभी एग्रेसिव नेचर भी आपका देखने को मिल रहा है। और हेल्थ रिलेटेड थोड़ा उतार चढ़ाव भी इस कारण से बनता है। माइंड लाइन पर आपके आते हैं, तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन बहुत यहाँ पर एक प्रकार से जालीनुमा आकृति में है। तो लाइफ इतनी ईजी आपकी नहीं रही है, टफ सिचुएशन बहुत आपने लाइफ में फेस किया है, स्टार्टिंग लाइफ से लेकर के ये अप्रोक्सीमेटली आपको 31 के एज तक देखने को मिल रहा है। 31 के एज के बाद से आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हुई है, लेकिन यहाँ पर भी ये डबल चल रहा है, और फिर उसके बाद फिर बायफोर्क हुआ है। तो कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस से दूर जाने के योगों को भी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है, और आपका जो लाइफ लाइन है ये भी बाहर की ओर झुकाव ज़्यादा लिए हुए है, तो इस कारण से जन्म स्थान से दूर जाने के योग आपके ज़्यादा हैं। एक सहयोगी रेखा भी चल रही है, जो अप्रोक्सीमेटली आपकी लाइफ को थोड़ा सुधारी है तकरीबन 24-25 के एज के बाद से। लेकिन जैसे माइंड लाइन आपकी है यहाँ पर, तो ये जब इस प्रकार की आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन माइंड लाइन होती है, तो एक प्रकार से भ्रम, चिंता या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके बाद यहाँ पर 35 प्लस एज के बाद से जो यहाँ पर भाग्य रेखा सुधरी है, उसी के साथ साथ माइंड लाइन में भी 37 के एज के बाद से सुधार अच्छा हुआ है, और ये अब यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीके से चल रही है। प्रोमिनेंट मतलब स्ट्रेट चल रही है, तो कहीं ना कहीं फोकस आपका 37 के बाद से बहुत अच्छा बढ़ेगा, डिसीजन स्किल आपकी अच्छी बढ़ेगी, काल्पनिकता भी थोड़ी इसके साथ बढ़ सकती है, लेकिन ओवरऑल माइंड में अच्छा ग्रोथ आपके देखने को मिल रहा है, और लाइफ में भी अच्छा ग्रोथ आपके देखने को मिल रहा है। आप बहुत लेट इंडिपेंडेंट होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो आपका करियर है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होते हुए यहाँ पर शो हो रहा है। सहयोगी रेखा है, तो इस कारण से जो है लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन ये भी थोड़ा लेट इजी होते हुए देखने को मिल रहा है। लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिल सकता है। अंदरूनी मंगल विकसित है, तो ये शारीरिक गठन ठीक बताता है, और मानसिक बल भी आपका ठीक रहने वाला है, कोई ऐसी परेशानी यहाँ पर नहीं है। शुक्र के क्षेत्र से बहुत सारी आड़ी रेखाएं निकल करके आपके लाइफ लाइन को जो है टच हो रही है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ से रिलेटेड थोड़े टेंस्ड आप रह सकते हैं, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो थोड़ा जो है फैमिली के तरफ जो है थोड़ा कहीं ना कहीं आपको खबरदार रहना चाहिए, और साथ ही साथ शुक्र के रेमेडीज़ भी करना चाहिए, क्योंकि शुक्र माउंट भी यहाँ पर दबा हुआ है। जब शुक्र माउंट वीक होता है, तो ये एक प्रकार से लग्जीरियस लाइफ, यौवन और मैरिड लाइफ, इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट तो करता ही है, लेकिन टेंशन एंजाइटी के साथ साथ एक अनावश्यक चिंता जो है आपको ज़्यादा दे देने वाला भी रहेगा। क्योंकि जब शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है, तो ये इसे अननेसेसरीज वरीज कहा जाता है, जिसका मतलब अनावश्यक चिंता जो कि आपको मनी, हेल्थ और मैरिड लाइफ से रिलेटेड रह सकता है। तो इसके लिए आपको रेमेडीज़ करना ज़रूरी है, ताकि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहे। और शुक्र से जब चंद्र पर भी कोई रेखा इस प्रकार से जाती है, तो इसे विया लाइसा विया कहा जाता है, जिसका मतलब एक प्रकार के एडिक्शन को भी ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो किसी लत को में आने से जो है आपको बचना चाहिए। और केतु माउंट के ऊपर ही जीवन रेखा का बायफोर्क हुआ है, तो इस कारण से ट्रैवलिंग भी आपकी अच्छी रहने वाली रहेगी। चंद्र पर आड़ी रेखा विदेश यात्रा का सूचक होती है, और हल्की सी रेखा इधर से भी आकर के आपकी जुड़ी हुई है, तो इतना विदेश से प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन जो बर्थ प्लेस है वहाँ से दूर जाने का योग आपका ज़्यादा अच्छा है। यहीं से ऊपर की ओर भी ये रेखाएं उठी हुई हैं, जो कि आपके हेल्थ में भी सुधार करेगी और व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ देगी, लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल ओपन है, तो इस कारण से जीवन में आपके धन तो अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, उसके खर्चे होने के योग, उसके हाथ से फिसलने के योग थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, और थोड़ा कहीं ना कहीं आपको फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि फेट लाइन भी यहाँ पर जो टूट टूट करके चल रही है, तो ये अर्निंग सोर्सेज में बार बार होने वाले चेंजेस को भी इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ अच्छा है, और 35-37 के बाद से लाइफ में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी और सक्सेस भी आपको मिलने वाला रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड।
आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।